इंदौर में नगर निकाय और पंचायत दोनों ही चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं, जहां एक बार फिर से इन चुनावों के दौरान राऊ विधानसभा में कांग्रेस का दम देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस ने जीत का नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में चुनाव के लिए मतदान हुए संपन्न, राऊ विधानसभा में कांग्रेस ने ढूंढा जीत का नया फॉर्मूला। एमएलए जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने दिखाया दम। मनीष पटेल और अफसर पटेल जैसे नेताओं ने निभाई अहम भूमिका। पंचायत और निकाय दोनों ही चुनावों में मनीष पटेल ने खूब की मेहनत। इंदौर जिले की राऊ विधानसभा में इस बार निकाय और पंचायत दोनों ही चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में मनीष पटेल जैसे कार्यकर्ताओं ने पंचायत से लेकर निकाय चुनाव तक में खूब मेहनत की, जिसका परिणाम रहा कि दोनों ही चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा खासा दम दिखाया। पंचायत चुनाव में मनीष पटेल ने जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए कौशल्या भूपेंद्र गुर्जर को चुनाव लड़ाने के साथ ही पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार भी किया, जिसका परिणाम रहा कि कौशल्या भूपेंद्र गुर्जर अच्छे खासे मतों से चुनाव जीतने में सफल रही। वार्ड क्रमांक 75 में भी कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी कुणाल सोलंकी के लिए मनीष पटेल और उनकी टीम लगातार मेहनत करती रही, जहां मनीष पटेल के साथ अफसर पटेल भी अपनी टीम के साथ चुनाव मैदान में नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मनीष पटेल और उनकी टीम ने पंचायत के साथ ही नगर निगम चुनाव में डटकर मेहनत की, जिसका परिणाम रहा कि अब राऊ विधानसभा में एक बार फिर से कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।